धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजना, हग के गुजना, हद से गुजर जाना है। कदे कदे जी करदा तेनू छड़ के परां तुर जां, पर मेरा वस चलदा ही नहीं, मतलब तेरे बिना सरदा ही नहीं। आंखें क्यों दिखा रही हो यार, गलती से मुंह से निकल। नहीं नहीं जा, ससुर बहुत गुस्सा वाला। अरे बाप रे ससुर जी आपकी, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी पूरी जिंदगी एक मूर्ख के साथ गुजारे। ओह नो ससुर जी, इसलिए तो उसको यहाँ से ले जाना है। अबे आगे नहीं है तेरी, दोनों है, मतलब नजर नहीं आ रहा तेरे को, नजर भी आ रहा है। अबे इतना मारूंगा ना। अबे ऐसे कैसे मारेगा, मुंह संभाल के बात कर। अबे ऐसे कैसे मारेगा, क्या कर रहा है ये, बता कौन है तू। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम समझ के मार दो, और अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू समझ के मार दो, खत्म कर दो। सिख गया मेरे बिना रहना, सानू भी तेरी लोड़ नहीं, जे तू सिख गया मेरे। एक दिन अचानक उसने पूछा कि प्यार क्या है। मैंने कहा कि प्यार वो नहीं जो तुम्हें मेरा बना दे, प्यार वो नहीं जो तुम्हें मेरा बना दे, प्यार तो वो है जो तुम्हें किसी और का होने ना दे। जानू तुमने कभी सोचा है क्या कि अगर मेरी किसी और के साथ शादी हो गई तो तुम क्या करोगे? बाबू मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मसल क्या दूंगा? क्यों तंबाकू है तू? तंबाकू ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों हाजमोला है तू? हाजमोला। अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? कुछ लड़कियां इतने प्यार से भैया बोलती हैं कि हमें तो उनके दहेज की चिंता होने लगती है। मार के दिखा, और अगर मार दिया ना तो कपड़े उतार के कनॉट प्लेस में नंगा नाचूंगा मैं। यार रोज आता हूँ ना मैं, फिर भी ये तुम्हारे मोहल्ले वाले मुझे ऐसे घूरते क्यों है? मन तो करता है इनकी। ओह हेलो मिस्टर मजनू, प्यार अंधा होता है मोहल्ले वाले नहीं। ठीक है फिर, इन्हें चश्मा और तुम्हें अंगूठी पहना देते हैं, फिर शादी कर लेते हैं।